गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज मैं आप लोग के साथ में भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और आज का मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ बिकॉज मैं नए घर में आ गई हूँ। हम लोगों ने फाइनली वो जो घर था वो चेंज कर दिया है, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ में थोड़ी सी बातें भी हो जाएंगी और आप लोग को पता भी लग जाएगा कि हमने घर चेंज कर दिया है, ठीक है। और मैंने यही वाली स्वेटशर्ट डाल ली है फिर से, क्योंकि ना गाइज यहाँ पर ठंडी का मौसम बहुत ज्यादा है, कपड़े सूखते नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैंने कल ही पहनी थी इसको, तो फिर मैंने इसको डाल ली है और अंदर वाला जो था वो मैंने चेंज कर लिया है। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से फटाफट से। तो मैंने कहा आप लोगों से बातें करती रहूंगी, मेरा काम भी हो जाएगा और आप लोग देख भी लोगे। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के घर में भिंडी की जो सब्जी होती है आप लोग कैसे बनाते हो, ठीक है, मेरे साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो मैंने यहाँ पर अनियन लिए हैं और उसके बाद से मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख ली है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप बड़ी सी कढ़ाई में बनाते हो और इसको खुला स्पेस मिलता है तो ये ना काफी अच्छे से बनती है और काफी टेस्टी बनती है। तो मैं क्या करती हूँ, जो भिंडी की सब्जी होती है उसमें बहुत ही बारीक पतला पतला प्याज काटती हूँ मैं, अनियन हमारा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोग के साथ में रोज एक डेली कोई डिश शेयर करूँ या फिर मैं अपना कुकिंग या फिर डिनर का जो है तरीका वो शेयर करूंगी, ठीक है गाइस। तो चलिए जल्दी से काट लेते हैं इसको फटाफट से। गाइज मैं जब सिफ्टिंग कर देना गाइज तो बहुत ज्यादा समस्या होती है, आप लोग को पता ही है कि कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक घर में से पैकिंग करना, फिर उसके बाद घर दूसरे घर में आकर के सेटिंग करना सारी, है ना गाइज, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके बाद से छोटा सा मेरा बेटा है कृष्णा, आप लोग को पता ही है ना, तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 250 ग्राम करीब लेडी फिंगर लेकर के आई हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को भिंडी और मैं इसमें डाल रही हूँ अपना 250 ग्राम के करीब अनियन। कृष्णा अपने डैडू के साथ में है, मैं कृष्णा से भी मिलाऊंगी उसके डैडू से भी मिलाती हूँ आप लोगों को, बट एक बार मैं ये सब्जी बना लूँ फिर मिलाऊंगी। और गाइज हमारा जो रात का डिनर है आज मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ, इससे आप लोगों को मेरी डाइट का भी पता लग जाएगा। तो मैंने 250 ग्राम की भिंडी ली है तो 250 ग्राम मैं अनियन भी ले रही हूँ, ठीक है। इससे क्या होता है ना, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और एक तो मेरी आदत है, मुझे ना किचन अपना बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है, बिल्कुल क्लीन, गंदा सा बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर किचन में डस्टबिन रखती हूँ और जिससे कि साफ साफ सफाई भी होती रहती है और आपका काम भी फिनिश होता रहता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर ले रही हूँ और आप लोगों को एक गुड न्यूज दूंगी, मैं ना अपना ये जो ये है ना गैस है हमारा, ये हमारा पहले का गैस है, पुराना गैस है जिसके हम रह रहे थे इससे पहले ना, तो उन्होंने क्या किया था कि हमें गैस दिया हुआ था, प्रोवाइड कराया था, बट हम अब गैस अच्छा सा ले रहे हैं, नया सा गैस ले रहे हैं। और जो 3 चूल्हे वाला होता है ना वो वाला ले रही हूँ मैं, क्योंकि जो 4 वाला होता है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उसके लिए स्पेस ज्यादा चाहिए होता है, कुकिंग जो फ्लोर होता है हमारा वो ज्यादा अच्छा होना चाहिए और चौड़ा होना चाहिए, वो एक्चुअली मॉड्यूलर किचन में होता है। और जब आप लोग की दुआ होगी और आप लोग की दुआ कबूल होगी, मात्रा नहीं की दुआ मेरी होगी उनकी मेरे पे, तब हम अपना किचन भी बना लेंगे मॉड्यूलर वाला और घर भी बना लेंगे, तब लेंगे हम वाला गैस। और इस उनसे हमने बात करी है अभी, तो वो हमसे ये कह रहे थे कि हाँ हम एक्सचेंज कर लेंगे, एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे साथ में, तो उन्होंने कहा था यस हम चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज हो जाता है। तो गाइस आइए देखते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ भिंडी। तो देखिए ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल में फिनिश होने वाला है, मैंने कहा चलो कोई नहीं आज तो बना ही लेते हैं। फिर मैं मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल आपको इतना अच्छे से डालना है कि आपका जो अनियन है वो अच्छे से उसमें भुन जाए और बाद में ऑयल रिलीज हो उससे, ठीक है, ऑयल निकलता है तो काफी अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद से मैं इसमें डालूंगी अपना चिमन सीड्स, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एक बार आप लोग ऐसे बनाइएगा और जो ऐसे बनाता है वो मेरे से शेयर जरूर करेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि दीदी हम भी ऐसे बनाते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। फटाफट से चलिए बना लेते हैं सब्जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये देखिए मैंने अपनी भिंडी को धो लिया है इसमें, और बास्केट लेकर आई थी मैं ये वाला। इससे क्या होगा ना कि अगर आप अपना, अरे यार नॉर्मल सी बात है सबको पता ही है, तो इसमें ना अच्छे से ये पानी निकल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद से मैं यहाँ पर 3 ग्रीन चिली ले रही हूँ और इसको मैं ऐसे कट कर रही हूँ छोटा छोटा सा पीसेस में,
और गाइज आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारा जो तेल है थोड़ा सा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब मैं इसमें डाल दूंगी अपना चिमन सीड्स, ये वाला। हीट आने लगेगी तब। हे गाइस, मैंने भिंडी काट ली है, ठीक है। और आपका जब अनियन कुछ ऐसा दिखने लगेगा ना, देखिए ये जला भी नहीं है और ये ना लाल हो गया, देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को। ये थोड़ा सा अंधेरे में है इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ मतलब जल गया है, पर जला नहीं है, देखिए दिख रहा है आपको कुछ। तो इस तरीके का जब आपका अनियन दिखने लगेगा तब आपको इसमें डालना है अपना, तब आप इसमें अपनी भिंडी को ऐड कर देंगे, ठीक है। गाइस इसी स्टेज पे आपको डालना है एक लेमन, या फिर आप हाफ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर हाफ डालूंगी क्योंकि काफी बड़ा है ना, तो इसलिए आप हाफ डाल दीजिए। इसके जो बीज है ना उसको आप निकाल दीजिए और उसके बाद से आप डालिए। इससे क्या होता है ना, जो हमारी भिंडी होती है उसमें जो टेस्ट आता है बहुत अच्छा आता है, और आपकी भिंडी बिल्कुल अलग अलग सी बनती है, खिली खिली सी, और इसका जो कलर है वो ना एकदम ग्रीन ग्रीन सा रहता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेमन जूस डालना है आपको, देखिए मैंने कैसे डाला है कुछ इस तरीके से। और एक एक मिनट से आप अपनी भिंडी को देखते रहिए। और गाइस मैं क्या करती हूँ, भिंडी को मैं खोल के बनाती हूँ, मतलब ओपन, ढकती नहीं हूँ मैं प्लेट से। इससे भिंडी आपकी बहुत अच्छी बनती है। बहुत से लोग ढक के बनाते हैं, वो भिंडी अच्छी नहीं लगती है। फ्लेम को लो कर दीजिए, ठीक है। और आप इसमें साथ ही साथ नमक डाल दीजिए अपना। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा हमारा टर्मरिक। अब जब हमने इसको इसमें सारी चीजें डाल दी है, ठीक है, जैसे कि आपका टर्मरिक हो गया, नमक हो गया, डाल दिया हमने, ठीक है। अब हम इसको बस 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे जिससे कि इसमें मॉइस्चर बन जाए और भिंडी हमारी आराम से कुक हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम इसको खोल के ही पकाएंगे, इससे हमारी जो भिंडी है वो क्रिस्पी बनेगी। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिए और इसके अंदर स्टीम होने दीजिए, ठीक है। गाइज ये जो आटा है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा मिलाया है बेसन, ठीक है। और मतलब मैं मिला के रख देती हूँ, हम लेकर आते हैं आटा ना, तो हम आशीर्वाद का आटा लाते हैं और उसमें मैं ना मिला देती हूँ इसमें। मैंने इसमें मिलाया है बेसन और आपका ये जो जौ का आटा होता है ये थोड़ा सा, और उसके बाद से आपका ये गेहूं का आटा, ठीक है। ये काफी हेल्दी होता है, आपके बालों के लिए भी अच्छा होता है, आपके स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और जिनकी रोटी होती है बहुत अच्छी बनती है, सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है और खाने में भी ना टेस्ट अच्छा आता है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, बना सकते हो इस तरीके से आटे को, घर पे ही आप अच्छा सा मिक्स आटा तैयार कर सकते हो। आज
अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे देख रहे होगे मुझे आटे को गूंथते हुए जब आप आटे को अच्छे से मसल मसल के गूंथ लेते हो ना तो जो रोटी होती ना बिल्कुल परफेक्ट बनती है। और आप चाहो तो बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनाना चाहते हो, किसी को सरप्राइज देना चाहते हो, खुश करना चाहते हो, तो आप आटे को ना दूध से गूंथो। कभी कभी दूध नहीं होता हमारा पीने वाला दूध, कच्चा दूध हो गया या फिर बॉइल किया हुआ जो दूध होता है उससे भी आप कर सकते हो। सो गाइस मैंने यहाँ पे अपना आटा भी लगा लिया है, ठीक है, और बस फटाक से ही हो जाएगा। मुझे बनानी है 6 रोटी, तो मैं बस 6 रोटी की लोई काट लेती हूँ, बाकी मैं फ्रिज में डाल दूंगी। क्योंकि यार थोड़ा सा ये होता है ना कि जब दो लोग खाने वाले होते हैं ना तो चीजें बनी जाती हैं ज्यादा कभी कभी, ठीक है। तो ये 6 रोटी का आटा निकाल लिया हमने पट से, ठीक है। इतना आटा मैं रख दूंगी, जैसे कि फ्रिज में जगह भी ना घेरे और अपना काम भी हो जाए। फ्रिज में हम बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं, अगर इस तरीके से आप रखते हो तो। गाइस कोई दिखावा नहीं है, मैं जो चीजें करती हूँ सब कुछ सामने करती हूँ आप लोगों के, ठीक है। जिसको लगता है दिखावा वो समझ सकता है, कुछ भी समझ आई दोनों। बट हाँ, जो मेरे चैनल को देखता है, जो मेरे ब्लॉग को पसंद करता है, जो मेरे चैनल को पसंद करता है, मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ। देखिए हमारी भिंडी जो है अच्छे से इसमें पक गई है, ठीक है, और अब इसको मैं खोल के ही पका लूंगी, फिर मैं आप लोग को भिंडी का कलर दिखाऊंगी कितना टेस्ट की बनता है ये भिंडी। क्योंकि ना ये हमारी जो भिंडी है अच्छे से पक गई है, बट ये है कि थोड़ा सा मैं इसको खोल के पकाऊंगी तो ये जो भिंडी है थोड़ी सी क्रंची हो जाएगी, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को ऐसी अच्छी लगती है। वो जो ढक करके बिल्कुल ढक देते हैं बनाते ना, उसमें वो टेस्ट नहीं आता है जो चीज जो भिंडी ऐसे बनाते हैं। बहुत लोग होते हैं ढक देते हैं बिल्कुल, उसको कवर कर देते हैं, मैं कवर करके नहीं बनाती हूँ। लो फ्लेम कर दीजिए आप और आप अपना सैलेड कट करिए, रोटी बनाइए, जो बनाना है वो बनाइए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बर्तन खराब हो गया है, अब मुझे भिंडी को ढकनी नहीं है तो मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। चलिए गाइस आज से हम रोटी बना लेते हैं, क्योंकि ना अभी ये तवा गर्म हो रहा है, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पर रोटियां बेल लूंगी अपनी, रोटी बेलूंगी थोड़ी देर में। जब तक ये मेरा तवा गाइस जब तक ये मेरा तवा गर्म हो रहा है ना तब तक मैं अपना सैलेड कट कर लेती हूँ। मुझे ना सैलेड के बिना खाना अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों अधूरा सा लगता है मेरा खाना। अगर मुझे 2 रोटी खानी होगी ना तो मैं 1 रोटी खाऊंगी, फिर ऐसा है मेरे साथ। दिख रहा होगा आप लोगों को सब कुछ आई थिंक। पता है कृष्णा भी मेरा देखा देखी कुकुम्बर खाता है, उसको कुकुम्बर इतना पसंद है मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छे से खाता है वो, नजर ना लगे मेरे बेटे को। बस आप लोग की दुआ रहेगी तो कुछ नहीं होगा इसलिए मैं ना थोड़े से जो अपना कुकुम्बर है ना इसके जो स्लाइसेस हैं मैं बहुत ही पतला पतला सा काट रही हूँ, बिल्कुल थिन, जिससे कि वो खा लेगा आराम से। सो गाइस ये है मेरा सैलेड और मैं यहाँ रख देती हूँ इसको, और चलिए फटाक से रोटी बना लेते हैं। एक बार सब्जी देख लेते हैं गाइस, सब्जी हो गई है और मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक, ठीक है। सब डाल लेते हैं एक बार गाइस, हम स्टैंड लेकर के आए हैं बट ये है कि हमें ना उसको सेट करने के लिए बुलाना पड़ेगा आदमी को, एक जो मतलब सेट कर दे आराम से, तो ड्रिल मशीन है वो, ड्रिल मशीन से ही आकर के वो सेट होगी, ऐसे तो होगी नहीं वो। मैं गैस को बंद कर देती हूँ, और गाइस मैं भिंडी में धनिया नहीं डालती हूँ, कोरिएंडर लीव्स को मैं ऐड नहीं करती हूँ।
ये देखिए हरी हरी सी लग रही है ना। गाइस दो लोगों के लिए ना, और भिंडी जो है ना 250 ग्राम बहुत होती है, हो जाती है उतने में। ये देखिए लग रही है ना ग्रीन ग्रीन सी। चलिए माँ ये सब्जी बन गई है, सब्जी रेडी हो गई है। मैं इस कढ़ाई को भिगा देती हूँ जब तक ये फूल जाएगी। और गाइस मैं ना यहाँ पर साथ साथ ही अपना डिनर का जो थाली होता है वो भी लगा लेती हूँ। गाइस ये दही है, क्योंकि हमने तो अभी एक दो दिन में ही शिफ्ट किया है इसलिए मैं दही घर पे बनाती नहीं हूँ। अभी कल ही तो हम आए यहाँ पे, फिर सारी सेटिंग करी है, तो हमने कहा कि भिंडी की सब्जी के साथ में ना दही जरूरी होता है, क्योंकि ना भिंडी वैसी है ना बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सूखी सी है, तो इस वजह से दही ले लेंगे। और दही में हम डालते हैं काला नमक। बस थोड़ा सा डाल लीजिए, टेस्ट अच्छा आता है। वैसे तो दही मैं सिंगल ही खाती हूँ, मतलब बिना नमक के बिना चीनी के। कभी कभी मन होता है चीनी और दही पराठे खाने का तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर ऐसे ही खाते हैं। सो गाइस चलिए रोटी बना लेते हैं फटाक से। कृष्णा अपने डैडी के साथ में खेल रहा है। रेडी हो गया, और मैं ये किचन की जो सफाई है ये सब मैं बाद में करूंगी, बट मैं ये सारी चीजें निकाल के रख देती हूँ जिससे कि साफ करने में दिक्कत ना हो और ये फटाफट से काम हो जाए। तब तक ये फूल जाते हैं ना, जो बर्तन है ये सारे फूल जाते हैं। और बस यहाँ पर हैंड वॉश कर लेती हूँ मैं। सो गाइस ये है हमारी डिनर की थाली, ठीक है, जिसमें कि मैंने ली है दही, इसमें डाला है काला नमक, ये हमारी रोटियां, और ये है हमारा एक्स्ट्रा कटोरी, ठीक है, बाउल, और ये है हमारा सैलेड, और ये है हमारी प्यारी सी भिंडी। तो चलिए आप लोग कृष्णा से भी मिल लीजिए, उसके बाद से ब्लॉग को एंड करते हैं।
सो गाइज मैं खाना लेकर के आ चुकी हूँ यहाँ पर। डिनर हमारा यहाँ पर रख गया है। और गाइज क्या है ना, कृष्णा छोटा है तो हम बेड पे ही खाते हैं खाना, क्योंकि ना ठंडी काफ़ी है और उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा खिला देती हूँ, वो खा लेता है। देखिए मेरे गाल पे आटा लग गया है। चलिए इसको बाद में हटाएंगे, पहले आप लोग मिल लीजिए मेरे बेटे से और मेरे हबी से। ये है मेरा बेटा हेलो गाइस। कृष्णा कुकुम्बर खा रहा है। कृष्णा दिखा दो बेटा, ये देखिए। और जो खोलो भैया। सो गाइस चलिए हम लोग डिनर करते हैं। देखिए हमारा डिनर यहाँ पर रखा हुआ है, तो चलिए आप लोग सोइए और आप लोग के साथ में हम कभी अच्छे से अपना जो ब्लॉग है वो शेयर करेंगे। और हम लोग साथ में डिनर करते हैं, आप लोग भी सोइए और मैं देखती हूँ जल्दी से वीडियो को एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। कृष्णा का चैनल है, कृष्णा के चैनल को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो हमें अच्छा लगेगा। आप लोग के साथ में वीडियो को शेयर करना, ब्लॉग को शेयर करना। ठीक है गाइस, सुबह मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बोल दो। बाय गाइस, कृष्णा बाय, कृष्णा बाय, कृष्णा बाय, कृष्णा बाय। चलिए गाइस, बाय बाय।